साथियों नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर साथियों, पूरा का पूरा घर रुपयों से भरा मिला है। जी हाँ साथियों, बता दें कि खुले गड्डियां 2500 की नोट की यहाँ पे लाइव देख सकते हैं दोस्तों, किस प्रकार एक पूरा का पूरे दो कमरे साथियों रुपयों से भरे मिले हैं। बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अपर्ति मुखर्जा के घर, जी हाँ अब अर्पिता मुखर्जी के एक फ्लैट पर छापा पड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस बार कोलकाता एयरपोर्ट के पास चिनार पार्क स्थित फ्लैट पर रेड डाली है। साथियों मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस छापे में ईडी के हाथ कुछ नहीं लगा है। बुधवार से गुरुवार तक रात 18 घंटे की रेड में ईडी ने पार्थ के करीबी अर्पिता मुखर्जी के दूसरे घर से 27.9 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो सोना जब्त किया है। केस के बारे में ईडी के सवाल पर अर्पिता ने बताया कि ये सारे रुपये पार्थ चटर्जी के हैं। उन्होंने कहा, पार्थ इस घर का इस्तेमाल रुपये रखने के लिए करते थे, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि घर में इतना केस रखा होगा। पिछले शनिवार को हुई छापेमारी में अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपये केस और 1 करोड़ रुपये की ज्वेलरी मिली थी, यानी कुल मिलाकर अर्पिता से अब तक 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा के केस और ज्वेलरी मिल चुकी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चटर्जी को मंत्री पद से हटा दिया है। पार्थ की गिरफ्तारी के 5 दिन बाद ममता ने ये एक्शन लिया है। इसके बाद ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने श्याम को अनुशासन समिति की बैठक बुलाई और उन्हें पार्टी संगठन से सभी पदों से हटा दिया गया है। साथियों बड़ी खबर इस वक्त की, अर्पिता मुखर्जी के चौथे फ्लैट पर ईडी का छापा। ममता बनर्जी ने पार्थ को मंत्री पद से हटाया, फिर पार्टी की जिम्मेदारियाँ भी छीनी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।